गुजरात में चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी लिस्ट बनाने में लगी है और इसी के सिलसिले में हमसे बात करेंगे कांग्रेस के लीडर डॉक्टर मनीष दोषी। सर, लिस्ट बनाई जा रही है, कितने आवेदन आए हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी? गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पंजे के निशान पे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए कार्यकर्ताओं को खुले मन से, जिसको लगता है कि मुझे विधानसभा में अपना आवेदन देना है, इसके लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रखी है। सभी जिला कक्षा पे, जिला कांग्रेस कमेटी पे सब अपना आवेदन दे सकते हैं और वो आवेदन को 15 तारीख तक आज शाम तक हम कलेक्ट करेंगे और वो प्रदेश समिति इस पर स्क्रूटिनी करेंगे। वो स्क्रूटिनी की प्रोसेस पूरी 16, 17, 18 होगी और 19, 20, 21 आने वाले 3 दिन में वो इसकी पे प्रदेश चुनाव समिति आगे का इसका स्क्रूटिनी करेंगे और बाद में वो पूरा स्क्रीनिंग कमेटी। एक कांग्रेस की पूरी प्रक्रिया पूरे देश में इस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र के लिए होती है। बात यही है कि सभी कार्यकर्ता मजबूती से, सभी मजबूत हैं कार्यकर्ता, सबको अपेक्षा रहती है राजनीति में, पर कुल मिला के देखा जाए तो 600 से ज़्यादा आवेदन आज तक में आ गया है, अभी तक का जो हमारे पास जो आया है। और इसका अभी दूसरा 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में जिला से बाकी की एप्लीकेशन भी आ जाएगी, वो आवेदन पत्र का पूरा एक लिस्ट बनेगा, इसकी क्या है शैक्षणिक लायकात, क्या है पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, क्या है पक्ष के लिए काम कितना किया है, जनता के लिए लड़ाई कितनी लड़ी है और कुल मिला के देखिए विचारधारा से कितना जुड़ा हुआ है और वहाँ जीत की शक्यता। आफ्टर ऑल तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो सामाजिक समीकरण से लेके इसकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता से लेके, वो युवा है, कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए प्रतिबद्धता से बरसों से लड़ रहा है, तो जनता के लिए लाठियां खाई है, तो सभी मापदंडों को आगे उतार के एक ही आदमी को टिकट दे सकते हैं एक विधानसभा में, तो वो इसमें सभी मापदंडों को ध्यान में रख के एक अच्छा लोक प्रतिनिधि कैसे बन सकता है, ऐसी चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवार की पसंदगी के लिए ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। सर, आपने कहा कि 182 सीट्स के ऊपर 600 से ज़्यादा अभी तक एप्लीकेशन आ चुके, नॉमिनेशन आ चुके, क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? क्या हम 800-900 तक भी, मतलब ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, इतने एप्लीकेशन आ रहे? निश्चित तौर पे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता कर्मठ रूप से लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, वो झूठ के खिलाफ लड़ रहा है, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, जनता को जो अन्याय होता है इसके खिलाफ लड़ रहा है, तो सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ना, चाहे किसान का बच्चा हो, युवा नौजवान हो, किसान का बेटा हो, चाहे किसान के घर से कोई महिलाएं है, चाहे युवा हो नौजवान जो सरकार की बेरोजगारी की नीति के खिलाफ लड़ रहा है, तो कुल मिला के पक्ष ने तय किया है, कांग्रेस पक्ष ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी तय, नए चेहरे देंगे, साफ सुथरा चेहरा देंगे, शिक्षित होगा, स्वीकृत होगा और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ वो लोगों का जनता की लड़ाई में सही पहचान हो इसकी, ऐसे उम्मीदवार को पसंद करने की कांग्रेस ने प्रक्रिया का आरंभ किया है। हमारे निरीक्षक के रूप में अशोक गहलोत जी है, वरिष्ठ है हमारे, वो 2017 में भी पूरा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया था, और हमारे स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन रमेश चेन्नीथला जी जो बहुत बड़े हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व है, वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी और टीम कांग्रेस मिलके। सवाल ये है कि गुजरात की जनता की अपेक्षा है, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पे है, जनता की बहुत अपेक्षा है, कर्मचारी बहुत खिलाफ है, सरकार के सामने लोगों का आक्रोश आसमान तक है, तो भाजपा के भ्रष्ट शासन को हटाना हमारे सबसे पहले कर्तव्य है और इसके लिए जो सामाजिक समीकरण में जो बैठता है, जो नौजवान है, स्वच्छ प्रतिभा वाला है, इसको पसंद करके अंत में तो गांधीनगर में जनता का विश्वास को जीत के जनता के आशीर्वाद से सरकार बनानी है, जो लोगों की भावनाओं का सम्मान करे, लोगों की बात सुने और लोगों को न्याय दे। सर, दो मुद्दे पे आप जवाब दीजिए कि क्या सिटिंग MLA को एक बार फिर से टिकट दी जाएगी और दूसरा नए चेहरों को कितना मौका मिलेगा? कांग्रेस ने हर हाल में, जिस तरीके से आपने देखा होगा, 64 हमारा 64 एमएलए अभी है, सरकार के खिलाफ, सरकार की धनबल बाहुबल के खिलाफ लड़के ये सब जीत के आए, तो स्थानिक हमारा सर्वे भी चल रहा है, ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से भी है, प्रदेश कांग्रेस ने भी किया है, तो सभी विधायकों को स्थानिक समीकरण को बाय एंड लार्ज स्क्रीनिंग कमेटी और हमारे प्रदेश नेतृत्व मिलके ये बात तय करेगा कि सभी विधायक जो अभी 2017 में जीते थे वो सभी को रिपीट करना है, और कहीं पे भी चाहे किसी की नादुरुस्त तबीयत हो इसकी वजह से वो नहीं लड़ना चाहते, या कोई किसी की स्थानिक कोई ऐसा फैक्टर है इसकी वजह से कोई हमको ऐसा लगे, पर कुल मिला के बाय एंड लार्ज सरकार की जो धनबल बाहुबल की
और गुंडागिरी की जो सरकार की नीति थी भाजपा की, इसके खिलाफ जीत के आए, तो सबको सम्मान के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पर अभी ये तय करना मुश्किल है, ये स्क्रीनिंग कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय होगा कि कितने विधायकों को सीटिंग को टिकट देना नहीं देना और सभी को देना, ये सभी बातों को सभी मापदंडों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ वक्तान्या, अहमदाबाद आज तक।